देश की सबसे अमीर महानगर पालिका यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका इन दिनों खस्ता हाल बनी क्यों घूम रही है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले 7 दिनों से बेस्ट के कर्मचारी हड़ताल पर है, लेकिन बावजूद इसके बीएमसी प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इस हड़ताल की वजह से रोजाना 50 लाख से भी ज्यादा मुंबई करों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि बेस्ट मुंबई महानगर पालिका के अधीन आती है और मुंबई महानगर पालिका का बजट 36,000 करोड़ रुपए है, लेकिन हड़ताल खत्म करना हो या बीच का रास्ता निकालने के लिए बीएमसी प्रशासन तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि साहब ये पैसा जा कहाँ रहा है? अब ये जान लीजिए कि मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना का कब्जा है। पिछले 25 सालों से पार्टी यहाँ पर राज कर रही है और इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि बेस्ट के कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं, लेकिन समाधान निकालने की बजाय पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बयानबाजी में उलझते दिखाई दे रहे। कोई ठोस कदम उद्धव ठाकरे की ओर से नहीं उठाया जा रहा। अगर उद्धव ठाकरे चाहते तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर इस मामले का समाधान निकाल सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। अब हड़ताल पर बैठे बेस्ट कर्मचारियों की मांग जान लेते हैं। पहली मांग है कि बुनियादी सुविधाओं की तरह समय पर वेतन मिले। दूसरी उनकी मांग है कि बेस्ट का जो बजट है उसका मर्जर बीएमसी के बजट में कर दिया जाए। जो बेस्ट का सालाना 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई बेस्ट की बजट से हो और दूसरे फायदे भी मिले। अगर आप मुंबई के बाहर रहते तो शायद आप मुंबई में बेस्ट की बसेस की अहमियत ना समझ पाए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मुंबई में बेस्ट की बसों को मुंबई वासियों की दूसरी लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई में करीबन 3,300 बेस्ट की बसेस हैं, जिसमें से 2,500 बसेस रोज मुंबई की सड़कों पर फर्राटे भरती है। 505 रूट पर चलने वाली बेस्ट की बसें रोजाना करीबन 6.42 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, लेकिन हाल ही के दिनों में टेक्नोलॉजी की वजह से ओला उबर हो या मेट्रो जैसी सुविधाएं लोगों को मिलने की वजह से बेस्ट की बसेस में यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। इन सारी अहमियतों को देखकर बेस्ट यूनियन, बीएमसी प्रशासन और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच में कई बार बैठकों का दौर हो चुका है, लेकिन अब तक मामला सुलझ नहीं सका है। मुंबई वासियों को हो रही परेशानी को देखते हुए कुछ लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने आदेश भी जारी किए जिसका असर होता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब तक मसला जहां के वहां लटका हुआ है। दरअसल विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि शिवसेना को मसले का हल नहीं निकालना है और मुंबई की जो पहचान है बेस्ट की बसेस, उसका प्राइवेटाइजेशन जो है वो शिवसेना करना चाहती है, इसलिए मामले को लटकाया जा रहा है। इस हड़ताल का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2 दशकों के बाद मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल इतनी लंबी खींची है। इससे पहले साल 1997 में बेस्ट कर्मचारी 3 दिनों की हड़ताल पर थे। अब महाराष्ट्र सरकार से मुंबई वासी ये आस लगाए हुए बैठे हैं कि सरकार अपने राजनीतिक नफे नुकसान को दरकिनार कर जल्द से जल्द इस मामले का हल ढूंढ सके।